નમસ્કાર દર્શક મિત્રો ઉઘડતી દિશાઓ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ વિશેની રસપ્રદ અને માહિતીપ્રદ આ ચર્ચા શ્રેણીમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે આઈઆઈટી ગાંધીનગર પ્રેરિત આ શ્રેણીમાં આપણે ગુજરાતની વિવિધ યુનિવર્સિટીના આદરણીય કુલપતિશ્રીઓ અને શિક્ષણવિદો સાથે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ આજે આજે નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન એ વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ એકેડેમિક રિસર્ચ ઇન ઓલ ફિલ્ડ્સ થ્રુ નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન આ વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ અને ચર્ચા કરવા માટે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાતના આદરણીય કુલપતિશ્રી પ્રોફેસર રમાશંકર દુબે સર આજે આપણે કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત છે સર આપકા કાર્યક્રમ ઓર શ્રેણીમાં સ્વાગત હૈ દર્શક મિત્રો નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન યે જો સર વિશેષ મહત્વ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી મેં જો ઓર હમરે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીજીને ભી 15 अगस्त के लाल किले से प्रवचन में जिसका उल्लेख किया है दैट इज एन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तो ऐसे डीबीटी, डीएसटी एमओईएफ, सीएसआईआर, आईसीएमआर, आईसीएचआर ये सभी मिनिस्ट्री और फंडिंग एजेंसीज अब तक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए फंडिंग दे ही रही थी तो फिर ये नई एजुकेशन पॉलिसी में एन का सविशेष महत्व क्यों है और क्या है सर जी सबसे बड़ी जो बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसमें है कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही गई है तो पूरे देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात है जैसा कि आपने कहा कि हमारी बहुत सारी मिनिस्ट्री जैसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वयरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज ये सब जगह से प्रोजेक्ट्स मिलते थे मगर क्या होता था कि बहुत जगह डुप्लीकेशन बहुत जगह उतना फोकस नहीं हो पाता था और एक्चुअली हमारे समाज को क्या जरूरत है किस प्रकार के रिसर्च के इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी तो पूरे देश में रिसर्च की गुणवत्ता में बढ़ावा लाने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की व्यवस्था की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरह कि पूरे देश के अंतर्गत एक थ्रस्ट एरियाज भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे और जो फोकस्ड रिसर्च होगा कि हमारे समाज को किस प्रकार के रिसर्च की जरूरत है तो उस प्रकार से फंडिंग की जा सकेगी और सभी विश्वविद्यालयों में फंडिंग की जा सकेगी समान के आधार पर समानता के आधार पर तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब तक भारत में जो शिक्षा पे फंडिंग हो रही है वो जीडीपी के 4.6 परसेंट हो रही है वहाँ से लेके 6 प्रतिशत तक ले जाने का प्रावधान है और उसके अंदर जो रिसर्च में जो संशोधन में जो फंडिंग है वो अब तक का बहुत कम है पॉइंट सिक्सटी नाइन परसेंट जब हम यू एस ए या इसराइल या कोरिया को कंपेयर करें तो भारत में इट इज़ ओनली पॉइंट सिक्सटी नाइन परसेंट तो वहाँ से लेके वन परसेंट जी का हो ट इज ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ रुपीज इतना फंड गवर्नमेंट रिसर्च में देना चाहती है तो इसका शायद महत्व सबसे ज्यादा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिस बात का है वह है एनआरएफ तो एनआरएफ के तहत अभी जो फंडिंग जो सिस्टम है उसमें क्या बदलाव आने वाला है सर देखिए किसी भी देश की प्रगति की बात हम सोचते हैं तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थिति और रिसर्च और रिसर्च भी इनोवेशन के साथ नवाचार के साथ जिसे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि इनोवेशन हमारे देश में क्या जरूरत है समाज को क्या जरूरत है रिसर्च के लिए तो उसमें हमको ज्यादा जाना चाहिए जिसे बहुत हमारे यहाँ फंडामेंटल रिसर्च भी होते हैं और बहुत मिनिस्ट्री के द्वारा भी फंडिंग होती है मगर एक जगह एनआरएफ के होने से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि समाज को हमें क्या जरूरत है तो उसमें हम क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी होंगे और उसके साथ साथ इनोवेशंस इनोवेटिव रिसर्च भी होगा तो इनोवेटिव रिसर्च होने से हम ज्यादा इंडस्ट्रीज से कंपनी के साथ में हम इंटरेक्शन करते हुए कि हमारे समाज को क्या जरूरत है तो तो उससे क्या होगा कि समाज के बढ़ने की रफ्तार हम तेजी से हम बढ़ेंगे और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कम्पीट करेंगे आसानी के साथ में और सर आपने जो बात कही कि सरकार शोधकर्ता और उद्योग इन तीनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन हो तभी ये रिसर्च फुलफिल होता है तभी उसका कुछ आउटपुट हमें मिलता है तो उसके बारे में भी ये एनआरएफ में बहुत अच्छे प्रावधान है शायद जी जैसे यूनिवर्सिटीज हैं यूनिवर्सिटीज आर सेंटर्स फॉर क्रिएशन ऑफ नॉलेज ज्ञान का सृजन करने का केंद्र है विश्वविद्यालय हमारे तो ज्ञान का सृजन होता है वो रिसर्च विथ इनोवेशन के साथ ही होगा और वो ज्ञान को यूटिलाइज करेंगे हमारे इंडस्ट्रीज या कंपनीज तो इंडस्ट्रीज को क्या जरूरत है yes. तो उस उसके मुताबिक जब को, को, कोलाबरेशन होगा yes. इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के साथ में तब रिसर्च का आउटपुट अच्छे तरीके से होगा और वो तुरंत जो रिसर्च जो आउटपुट होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा इंडस्ट्री में तो वही आजकल हमें जर, जरूरत है और सर हम कह सकते हैं कि इसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनने का जो हमारा लक्ष्य है वो भी पूरा हो सकता है आत्मनिर्भर भारत बनने का लक्ष्य तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बच्चे तीन वर्ष की उम्र का जब होता है तभी से उसके अंदर में प्रोविजन है कि जैसे कि कक्षा पांच तक तो कंपलसरी है मातृभाषा में स्थानीय भाषा में शिक्षा लेना और उसके बाद भी व्यवस्था है तो यदि रिसर्च तक व्यवस्था रहे अपनी मातृभाषा के अंदर तो मौलिक चिंतन किसी बच्चे को अपनी मातृभाषा में ही चिंतन आती है तो वो सोच सकता है इसीलिए आप, आपको ध्यान होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हाउ टू थिंक ये बड़ा जरूरी है हम कैसे सोचें तो सोचने का विकास हमारे अंदर में विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारे समाज को किस प्रकार का रिसर्च चाहिए उसके बारे में हम सोच पाएंगे और वो सोच सोचेंगे तो हमारे समाज का बहुत तेजी से विकास होगा और हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के आधार पर वो रिसर्च होगा तो निश्चित रूप से भारत हमारा आत्मनिर्भर बनेगा और भारत हमारा आत्मनिर्भर था प्राचीन समय में आत्मनिर्भर था हमारे यहाँ एक से एक ऋषि थे एक से एक विद्वान थे तो आत्मनिर्भर उसी लिए था कि हमारी इंडिजिनस हमारे नॉलेज थे हमारे ज्ञान विज्ञान के अपने हमारे रिसोर्स से रिसोर्स थे और ग्रंथ थे विज्ञान के ज्ञान के ग्रंथ थे हमारे यहाँ जिसके बदौलत हमारे यहाँ रिसर्च काफी आगे था तभी तो भारत विश्वगुरु था तभी तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी तक्षशिला नालंदा बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय थे हमारे यहाँ थे और हमारे यहाँ वो शोध होते थे विदेश से लड़के पढ़ने के लिए आते थे तो फिर से वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने की दिशा में यह एक बहुत सराहनीय और क्रांतिकारी कदम है ये नई शिक्षा नीति के द्वारा और सर आपने जो बात कही भारत ये, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रावधान ही यही है कि भारत ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने और इसमें सर आपने मातृभाषा में जो एजुकेशन की बात की तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का भी शायद ये प्रावधान है कि रिसर्च शुड नॉट बी ओनली इन अ, अ, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स बट इट शुड बी इन सोशल साइंसेस सामाजिक विज्ञान कला साहित्य इस सभी में भी रिसर्च को बढ़ावा देने की कुछ बात है शायद उसके ऊपर आप हमारे दर्शकों को बता जी जी वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में वो बिल्कुल व्यवस्था है कि साइंस टेक्नोलॉजी सोशल साइंसेज और और ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर ह्यूमनिटीज लैंग्वेजेस तो ये चारों जो अलग अलग चार हम विभाग कर सकते हैं कि साइंस के लिए भी है टेक्नोलॉजी के लिए भी है सोशल साइंसेज के लिए भी है और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए भी है तो चारों में तो हर प्रकार की जितनी तरह की विधाएँ हैं जितने तरह के ज्ञान विज्ञान हो सकते हैं ज्ञान के जितने भी डिसिप्लिन हैं सारे में रिसर्च की जरूरत है तो उसमें जिसे आप लैंग्वेजेस की बात की है, हमारे इंडियन लैंग्वेजेस की सबसे ज्यादा प्रधानता न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दी गई है इंडियन लैंग्वेजेस से क्योंकि भारतीय हमारी भाषाएं हैं वो तो भारत से पैदा हुई हैं तो जो लड़का शुरू से ही पढ़ेगा और आगे जा कर के उसको रिसर्च करने का इनोवेशन करने का अपनी मातृभाषा में मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से अपनी देश की माटी से जुड़ेगा वो देश की मिट्टी से जुड़ेगा अपने भारत से जुड़ेगा उसके अंदर भारतीयता और देश प्रेम का भाव रहेगा उसके अंदर बहुत अच्छा सर और सर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में डॉक्टरल एंड पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप को बढ़ावा देने की कोई बात है शायद सर जी जी इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में यह कहा गया है कि डॉक्टर डॉक्टरल फेलोशिप्स भी बढ़ाई जाएंगी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स भी बढ़ाई जाएंगी और उसमें वो सेलेक्ट किया जाएगा जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो उस तरह के पोटेंशियल्स हैं तो उनको और बढ़ावा मिलेगा जैसे आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अभी भी कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो कि वर्ल्ड लेवल में कम्पीट कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ आई हैं हमारे यहाँ आइसर्स हैं बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं मगर वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जो स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं हमारे यहाँ एक्सेलेंस के उनको और प्रमोट करने की व्यवस्था है कि उनको ज्यादा फंडिंग दे करके उनको और आगे लाया जाएगा ताकि हमें जब भी विश्व के सौ शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में आना है विश्व के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आना हमको कंपीट करना है तो निश्चित रूप से रिसर्च तो करना ही पड़ेगा क्योंकि और रिसर्च की क्वालिटी बेस्ड रिसर्च क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी भी देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस की हम बात करते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी की प्रोग्रेस की बात करते हैं किसी भी देश के प्रोग्रेस की बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एजुकेशन और उसका रिसर्च रिसर्च और टीचिंग दोनों को अलग नहीं किया जा सकता अच्छी क्वालिटी का रिसर्च होगा गुणात्मक रिसर्च होगा तो वहीं गुणात्मक टीचिंग भी हो पाएगी क्योंकि जो टीचर बढ़िया रिसर्च कर पाएगा आउटस्टैंडिंग रिसर्च करने में तो डेफिनेटली वो टीचर भी बढ़िया होगा क्योंकि वो लेटेस्ट yes. जो नॉलेज होगा उस नॉलेज से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगा तो आज हमको बहुत ज्यादा जरूरत है कि रिसर्च की फंडिंग हो और अच्छे पॉकेट्स से में सेलेक्ट करके फंडिंग हो और वो रिसर्च हो बिल्कुल हमारे रिलिवेंस का हो नीड बेस्ट सोसाइटी का हो जिसे बार बार इसमें बात कही गई है एनआरएफ में कि हमारे समाज की आवश्यकता के अनुरूप रिसर्च हो फंडामेंटल रिसर्च भी हम करेंगे मगर उसके साथ साथ अप्लाइड रिसर्च भी करेंगे ताकि हम अपने देश की समस्याओं का समाधान कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कम्पीट कर सकें सर आपने टीचर और रिसर्च टीचिंग और रिसर्च की कंपैरिजन और दोनों एक ही है वो बात कही तो जो जो टीचिंग लाइन में है चाहे स्कूल टीचर है या प्रोफेसर है उनको अपने टीचिंग की ड्यूटीज इतनी ज़्यादा होती है कि वो रिसर्च के लिए कम समय दे पाते हैं तो ये एक दुविधा है सबके मन में तो क्या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में कुछ ऐसा स्कोप है कि टीचिंग टीचिंग की ड्यूटीज़ कम की जाए अगर वो रिसर्च में अच्छा परफॉर्म कर रहा है देखिए एक तो मैं आपको बता दूं ये इसमें तीन प्रकार के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कही गई है कही गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और उसमें पहली रिसर्च यूनिवर्सिटीज उस उन यूनिवर्सिटीज में फोकस ज्यादा होगा रिसर्च की तरफ और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टीचिंग यूनिवर्सिटी उसमें टीचिंग भी होगी प्लस रिसर्च भी होगा और तीसरे हैं कि आपके कॉलेजेस डिग्री दिग्र, कॉलेजेस तो निश्चित रूप से ये देखिए ये डिपेंड करता है आपका किस तरह का माइंड है इनोवेटिव माइंड है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा क्लास सिक्स के बाद से ही लड़के को स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सब की व्यवस्था हुई और डिग्री लेवल पर जाकर के आपको ध्यान होगा डिग्री लेवल पर भी डिसर्टेशन प्रोजेक्ट रिसर्च की व्यवस्था है वहां भी एनआरएफ का रोल आता है फंडिंग में तो वहीं पर माइंड को वहीं पर टैप कर लिया जाएगा कि जो अच्छा लड़का जो इनोवेटर है रिसर्च में तो वो आगे की तरफ रिसर्च की तरफ जाए और उस, उस, उसको फंडिंग मिलेगी दुबे सर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी एक दुविधा है मल्टीप्लिसिटी एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड एक्सपेंडिचर तो अलग अलग फंडिंग एजेंसी से फंड लेने का जो सिस्टम हमारे यहाँ सालों से चल रही थी एक ही टॉपिक एक ही एरिया में रिसर्च कर रहे हैं पर दो फंडिंग एजेंसी में से फंड ले रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ चेक रहे उसके ऊपर कंट्रोल रहे उसके लिए कोऑर्डिनेशन की क्या इसमें सुविधा है सर देखिए वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसा कि मैंने कहा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की... के अंतर्गत ये ऐसी बॉडी है कि पूरे देश में रिसर्च के लिए मॉनिटरिंग करेगी मॉनिटरिंग प्लस मिनिटरिंग फंडिंग ये सारा इसके द्वारा अब तक क्या होता था कि बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहीं से भी जिसे यूनिवर्सिटी के टीचर्स वगैरह लिखते थे प्रोजेक्ट लिखते थे उनको प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट मिल जाता था तो मिल जाता था अपने हिसाब से वो प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे मगर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होने से ये डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां से मॉनिटरिंग होगी और दूसरी इसकी विशेषता है कि जो भी प्रोजेक्ट हम सबमिट करेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को वो पीयर रिव्यूड होगा वो अच्छे तरीके से अपने देश के एक्सपर्ट्स जरूरत पड़ेगा तो बाहर के भी एक्सपर्ट्स के द्वारा वो रिव्यू होगा और प्रोजेक्ट जब अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से उसमें ज्यादा फंडिंग होगी और केवल इंस्टीट्यूशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स ही नहीं इसमें मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स भी मेगा प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट भी मून शॉट्स बोलते हा, हैं हाँ बिल्कुल कि देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि मान लीजिए एनर्जी क्राइसिस समाधान करने के लिए या एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जो बहुत सारी जिसमें कई इंस्टीट्यूशन का वहां इन्वॉल्वमेंट है तो उस तरह के भी प्रोजेक्ट्स के फंडिंग करने में अच्छे तरीके से फंडिंग होने में मदद मिलेगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा और इसमें दो चीज है सर एक ही शोधकर्ता दो फंडिंग एजेंसी से फंड ले और दूसरी ये चीज भी है कि दो अलग अलग राज्य में दो शोध करता है पर एक ही एरिया में दोनों रिसर्च कर रहे हैं तो क्या उसे भी कंट्रोल या उसे भी डुप्लीकेशन में गिना जाएगा देखिए एक तो जैसे स्थानीय समस्याएं कुछ अलग अलग होती हैं मगर कुछ जो फंडामेंटल रिसर्च होता है मौलिक रिसर्च वो तो चाहे आप यहां कीजिए चाहे कहीं कीजिए वो तो ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगा तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा मॉनिटरिंग चूंकि एक जगह हो रही है एक ही पोर्टल पर मॉनिटरिंग हो रहा है आजकल तो पता चल जा रहा है कौन क्या रिसर्च कर रहा है तो उसमें डुप्लीकेसी होने में डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी और बल्कि कोलाबोरेशन में मदद मिलेगा आपको पता यदि चलेगा कि जिस हम फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसे दूसरी फील्ड में कोई दूसरा आदमी काम कर रहा है दूसरे इंस्टीट्यूशन में तो डेफिनेटली आप चाहेंगे तो पार्ट ऑफ द वर्क आप कर सकते हैं पार्ट ऑफ द वर्क वो कर सकते हैं तो इससे इंस्टीट्यूशनल कोलाबोरेशन में बढ़ावा मिलेगी और सबसे ज्यादा इसका एडवांटेज मिलेगा कि आपका एकेडेमिया इंडस्ट्री इंटरेक्शन वो बड़ा फोकस पॉइंट है कि अभी अभी तक क्या होता है कि हम अपने जरूरत के मुताबिक यूनिवर्सिटी में चाहे तो उसके साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ में नहीं कर सकते हैं मगर अब ज़्यादा होगा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम हमारा जो रिसर्च होगा उसका यूजर पार्ट कौन होगा कौन उसको यूज कर सकता है तो उसके हिसाब से हम हमारे अंदर कोलाबरेशन की संभावना और बढ़ेगी, बढ़ेगी और हम ज़्यादा कोलाबरेटिव रिसर्च कर पाएंगे जिसका कि यूटिलिटी हमारे रिसर्च का ज़्यादा हो पाएगा सोसाइटी के लिए समाज के और सर इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही जो फंड ले रहा है वो सही उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा वो अकाउंटेबिलिटी कैसे मेजर की जाएगी सा? नहीं उसके लिए इसमें मॉनिटरिंग की व्यवस्था है जैसे मैंने कहा मैंटरिंग प्लस मॉनिटरिंग अभी भी जैसे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो तो लोग लेते हैं तो उनका भी टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाता है टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होती है मगर इसमें और कड़ी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है क्योंकि बॉडी एक रहेगी तो आप जो भी ईयरली बेसिस पे जो भी वो मैकेनिज्म डेवलप करेंगे लोग तो उसमें मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी और ज़, यदि मॉनिटरिंग में और पैसे की जरूरत पड़े तो और पैसे के मिले और पैसा मिल सकता है या नहीं तो मान लीजिए कि यदि प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो कैसे उसको और आगे किया जाए इस तरह की क्योंकि वो मॉनिटरिंग प्लस मेटरिंग दोनों करेंगे मेटरिंग का अर्थ यही है कि आपके यहाँ कहीं शॉर्टफॉल हो रहा है कमी बेसी है तो उसको भी वो करके पूरा करके आपको आगे की तरफ आपको ले जाए और सर एक शोधकर्ता के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है तो आईपीआर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो तो शोधकर्ता के पास ही रहेंगे पर क्या उसका लाइसेंस और रॉयल्टी के लिए वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा या क्या वो है सर ये वो गवर्नमेंट के साथ वो जुड़े क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो यहाँ से पैसा मिल रहा है आपको वो डेफिनेटली हम तो जैसे रिसर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के हम इंप्लाई हैं रिसर्च कर रहे हैं और इसके साथ साथ फंडिंग तो हमारी गवर्नमेंट की है तो पूरा राइट तो हमको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा okay. अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपको हम बता दें कि हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में भी लगभग पंद्रह पंद्रह सोलह पेटेंट्स हैं दो पेटेंट्स कॉमर्शलाइज भी हो चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में हैं तो यूनिवर्सिटी का तो नाम हमारा है ही है मगर जो फंडिंग एजेंसी को तो हमको एक्नॉलेज तो, तो करना ही करना है ना क्योंकि पैसा तो पूरा वहीं से मिल रहा है तो इसमें चूंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है तो निश्चित रूप से जो पेटेंट हो रहा है राइट तो गवर्नमेंट को जाना चाहिए इसमें कोई उसमें दो बात नहीं है क्योंकि हम तो अपने देश के लिए कर रहे हैं हम तो अपने समाज के लिए कर रहे हैं और कोई भी रिसर्चर सबसे ज्यादा खुश तब होता है जबकि वो अच्छा पब्लिकेशन होता है वो पेटेंट होता है क्योंकि पेटेंट हो गया इसका मतलब कि आपका वो जो नॉलेज है वो वाकई समाज के लिए उपयोगी है तभी तो उसको पेटेंट मिल रहा है ना तो हमारे लिए तो इतनी टीचर के लिए सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि टीचर तो सम्मान का भूखा होता है उसके लिए तो सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारा पेटेंट हो गया और उसके बाद सरकार उसको जिस तरह से चाहे समाज में उसको यूटिलाइज करवाए बिल्कुल और सर मेरे पास वर्ल्ड आईपीओ दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन उसके कुछ नंबर्स है और अकॉर्डिंग टू दैट नंबर्स भारत में जो फंड रिसीव करते हैं उसमें से 70 परसेंट लोग अराउंड 70 परसेंट लोग ब्रेन ड्रेन होकर विदेश में जाके बस जाते हैं और वहीं अपनी पूरी लाइफ बिताते हैं जबकि हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ जैसे चाइना वगैरह में ये नंबर सिर्फ दस टेन का है तो जो ब्रेन ड्रेन है वो सबसे बड़ी समस्या है क्या ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उसमें मिनिमाइजेशन लाएगा निश्चित रूप से लाएगा क्योंकि एक तो देखिए हमारे यहाँ भी एक इन्वेरामेंट उस तरह का रिसर्च का बनाना पड़ेगा देखिए मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूशन कुछ अच्छे अच्छे हैं जैसे कि आई आई टीज हैं आई हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अच्छे हैं जो कि अच्छा काम करें अच्छा रिसर्च भी कर रहे हैं तो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से फंडिंग हमको कहाँ कहाँ करनी है इसको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा बड़े सही तरीके से और वहाँ पे यदि हम फंडिंग ज़्यादा देंगे उस इंस्टीट्यूशंस को हम और मजबूत करेंगे रिसर्च के के द्वारा तो निश्चित रूप से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो नहीं होगा उसमें रुकेगा क्योंकि वो जो अच्छे रिसर्चर हैं जो इनोवेटिव माइंड्स के हैं जब सही जगह यहाँ नहीं पाते तभी बाहर जाते हैं तो यदि हम उनको सही इकोसिस्टम दें सही उनको इन्वामेंट दें काम करने के लिए वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छी फैसिलिटीज के साथ तो निश्चित रूप से यहाँ पर वो रुकेंगे और सर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया है स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया और हमारे गुजरात में एस स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी भी एग्जिस्ट कर रही है तो जो स्टार्टअप के तहत जो फंड दिया जाता है वो क्या एन के अंदर में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा अब तो वो देखिए वो वो किस तरह से होगा मगर स्टार्टअप्स ज़्यादा शुरू करने के लिए वो एनआरएफ कैटलिस्ट का काम करेगा हाँ वो तो कटिल्स का काम इसलिए करेगा कि जहां पर हमारे रिसर्चेज चल रहे हैं और रिसर्च के होने के बाद से आउटपुट हो रहा है तो उसमें से कोई जो टेक्नोलॉजी बन रही है या कोई प्रोसेस बन रहा है या कोई प्रोडक्ट बन रहा है उससे स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है और आपको पता होगा अटल इनको इनको सेंटर्स बहुत इन सारे लैब्स जी बच्चों के लिए बच्चों के लिए ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है मैं तो कई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानता हूँ और देखा भी हूँ और अच्छा काम कर रहे हैं तो एनआरएफ ही एक की तरह से काम करेगा उस तरह की रिसर्च और सर हर यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए।, होना चाहिए और रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए शायद ये ये जो फंडिंग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की है उसमें से शायद ये ये जो स्वप्न है हमारा वो तो चरितार्थ होगा ही जी जी। और इंक्यूबेशन सेंटर अगर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली रिसर्च में भी बढ़ावा बढ़ावा आएगा रिसर्च में होगा और वो इनक्यूबेशन सेंटर बढ़ने से ना छोटे छोटे भी हम टेक्नोलॉजी को आगे लेकर बढ़ा सकते हैं बात, वापस आएगी आत्मनिर्भर भारत बिल्कुल बिल्कुल तो आत्मनिर्भर भारत की हम अपनी इंडिजिनस नॉलेज और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के सा, साथ में हम देश को आगे बढ़ाए और सर अभी हमारे पास बहुत कम समय फिर भी उसमें मैं दो चीज के बारे में आपको पूछना चाहूंगा एक तो ट्रैवल ग्रांट रिसर्चर के लिए बाहर जाना

लेते हैं ग्रहण करते हैं तो, तो उससे क्या होता है वो भी कटनी का काम करता है हमको रिसर्च को आगे बढ़ाने में क्वालिटी ऑफ रिसर्च इंप्रूव करने के लिए वही मदद तो, तो वो जरूरी है और ये प्रावधान होना चाहिए दिल्कुल, दिल्कुल और और दूसरी एक बहुत अच्छी चीज सर जो एन के तहत है वो रिटायर्ड प्रोफेसर को जी। वो स्पेसिफिक रिकग्निशन देने की बात कही जा रही है तो वो क्या है सर वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए जी ये ये बहुत अच्छी बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बात का जिक्र है कि जो टीचर रिटायर्ड कर जाते हैं उनको भी हम यदि लाएं मिनी स्ट्रीम्स में यूनिवर्सिटीज में लाएं तो उनके नॉलेज का उनका जो एक्सपर्टाइज है वो हमारे यंगस्टर्स को मिलता है क्योंकि तो मैं जानता हूँ मैं कुछ यूनिवर्सिटी में मैं बी में बनारस यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ पर रहा हूँ मैं जानता हूँ जिसे डिस्टिंग्विश प्रोफेसर की स्कीम है वो पैसा नहीं लेते रिटायर करने के बाद टीचर मगर उनका चूँकि पैसन है अपना काम करने का तो आएंगे डिपार्टमेंट में तो जो भी यंगस्टर्स हैं उनको मेंटरिंग करने के लिए रिसर्च को क्वालिटी बढ़ाने के लिए तो हमको ये ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो रिटायर्ड टीचर हैं वो अनुभवी हैं तो उनकी जो मेधा शक्ति है उनका जो नॉलेज है उसको हम रिसर्च में उसको उपयोग कर सकते हैं तो सर आज संशोधन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के बारे में आपके साथ बात करके वाकई में अच्छा लगा और सुनहरे भारत का जो स्वप्न है वो हमें लग रहा है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से डेफिनेटली वो फुलफिल होगा तो दर्शक मित्रों એકેડેમિક રિસર્ચ ઇન ઓલ ફિલ્ડ્સ થ્રુ નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન આ વિશે આજે ઉઘડતી દિશાઓ આઈઆઈટી ગાંધીનગર પ્રેરિત અને દૂરદર્શન આયોજિત આ શ્રેણીમાં આજે આપણે પ્રોફેસર રમાશંકર સરને મળ્યા ફરી એકવાર નવા એપિસોડમાં નવા વિદ્વાન કુલપતિ નવા વિષય સાથે આવશે ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો નમસ્કાર